कुंभलगढ़ दुर्ग से 10 किलोमीटर की दूरी पर है ये परशुराम महादेव का मंदिर, जिसकी स्थापना भगवान परशुराम ने की थी। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता मारवाड़ होके जाता है और दूसरा रास्ता मेवाड़ होके जाता है। मारवाड़ वाला जो रास्ता है, जो पाली होकर जाता है, उसमें चढ़ाई बहुत कम है, पर ये जो रास्ता है ये थोड़ा सा दुर्गम रास्ता है, जो मेवाड़ से जाता है, कुंभलगढ़ वाला रास्ता। इसमें 1200 मीटर की ऊंचाई है चढ़ने में, और चढ़ाई भी सीधी नहीं है, या सीढ़ियाँ भी नहीं है, कहीं पर चढ़ना है कहीं पर उतरना है, ऐसा ये मंदिर का रास्ता है। इस मंदिर को राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। परशुराम महादेव मंदिर अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थान में पूर्ण रूप से प्राकृतिक स्वरूप से ये बना हुआ है। माना जाता है कि परशुराम ने फरसे के प्रहार से ये मंदिर बनाया था, ये शिव मंदिर। परशुराम जी लाखों साल पहले त्रेता युग में मंदिर में बनी गुफा के रास्ते से आए थे, और यहाँ बैठकर उन्होंने भगवान शिव की गुप्त आराधना की थी। कहते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्होंने अमृतत्व का वरदान प्राप्त किया, और इसके साथ ही कई दिव्यास्त्र एवं अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त किए। फरसे को भी यहीं पे उन्होंने प्राप्त किया, और उसके बाद फरसे के प्रहार से यहाँ पर शिव मंदिर बनाया। इसी कारण आगे चलकर इस मंदिर का नाम परशुराम महादेव मंदिर पड़ गया। परशुराम ने जगह जगह तप किया, पर उनको उनके गुरु शिव के दर्शन नहीं हुए। ऋषि मुनियों ने बताया कि उनको मातृहत्या का अपराध है, तो ऋषि मुनियों के कहने पर मातृहत्या के दोष के निवारण के लिए परशुराम यहाँ आए। देखिए पूरा रास्ता ऐसे उतर रहा है, अब उतर तो रहे हो, अब चढ़ने में तो हालत खराब हो जाएगी, ये पता है। देखिए पूरा स्लांट है यहाँ पर, पूरा स्लोप है ऐसे उतरने के लिए, और दूर दूर तक बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, सीताफल, अमरूद के पेड़ का रास्ता है। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में से ये ऐसे रास्ता गुजर रहा है।
मातृहत्या के अपराध से मुक्ति के लिए परशुराम ने अरावली पर्वतों में स्थित मातृकुंडिया नदी में स्नान करके भगवान शिव की आराधना की थी। कहा जाता है कि कई वर्षों तक यहाँ पर भगवान परशुराम जी ने तपस्या की थी। बहुत ही सुंदर महादेव जी का मंदिर, जिसमें कुदरती रूप से ही पानी बरस रहा है, प्रकृति जलाभिषेक कर रही है शिवलिंग का, और बहुत सुंदर नज़ारा है इस मंदिर का। बारिश के दिनों में तो कहते हैं यहाँ पर स्वर्ग सा माहौल हो जाता है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता काफ़ी दुर्गम है, तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा समय ज़्यादा लेकर ही आइएगा, क्योंकि काफ़ी चढ़ाई है, काफ़ी उतरना है, रास्ता भी टेढ़ा मेढ़ा है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा ज़्यादा ही समय लेकर आपका स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रख के ही इस मंदिर तक आराम आराम से आप पहुँच सकते हैं। परशुराम महान तपस्वी और भगवान विष्णु के अवतार हैं। परशुराम जी बाल्यकाल से ही भगवान शिव को अपने गुरु मानते थे। 5 वर्ष की आयु में ही वे हिमालय चले गए थे, और कहते हैं जब उनके पिताजी 3 ताली बजाते वो वापस आ जाते। पिता के कहने पर उन्होंने अपनी माता की हत्या कर दी। परशुराम जी को मातृहत्या का अपराध था। वे सप्त चिरंजीवों में से एक हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार परशुराम जी आज भी इस पृथ्वी पर तपस्या में लीन है, और ये वही पवित्र स्थल है, पवित्र गुफा है, पवित्र मंदिर है, जहाँ पर भगवान परशुराम ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। यहाँ पर 3 कुंड हैं। कहते हैं कि ये कुंड कभी भी सूखते नहीं हैं। तो ऐसा है ये अलौकिक परशुराम महादेव मंदिर। आप ज़रूर जब भी कुंभलगढ़ आए तो ये मंदिर पर दर्शन करने के लिए ज़रूर आइएगा।
बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक मंदिर है ये परशुराम महादेव मंदिर। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।